जय भारत जय संविधान। आज हम बात करते हैं दिल्ली की मतदाता की, तो वो इसलिए कि इस समय दिल्ली का मतदाता, मैं समझता हूँ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जहाँ भी एक मतदाता है, सबसे मतलब नाजुक और बुरी कंडीशन में है। वो इसलिए कि वह इस समय फुटबॉल बन गया है दिल्ली का मतदाता। आम आदमी पार्टी कहती है कि एमसीडी में बीजेपी है, 2500 करोड़ का घोटाला किया है। अच्छा, अब बीजेपी क्या कहती है कि एमसीडी का 13,000 करोड़ का जो बकाया है आम आदमी पार्टी केजरीवाल किए हैं, नहीं दे रहे हैं, वह धांधली हुई है। तो इन दोनों ने ना फुटबॉल बना रखा है दिल्ली की जनता को। पैसा किसके बाप का है? पैसा तो जनता का है ना, जनता के टैक्स का पैसा है। और बजा कौन रहे हैं? कभी आम आदमी पार्टी कहती है और कभी बीजेपी कहती है। और इन दोनों ने किया क्या है कि दिल्ली वालों को धरना देना सिखा रहे हैं। इस समय धरने पे कैसे बैठा जाता है, विरोध कैसे किया जाता है, और कुछ नहीं सिखा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे बीजेपी वाले बैठ जाते धरना देके, और बीजेपी वालों के दफ्तर पे आम आदमी पार्टी वाले बैठ जाते धरना देके। और यह मैं बात पूरे दावे के साथ कहता हूँ, मुख्यमंत्री की कसम खा के कहता हूँ, जिसको विश्वास ना हो वह दिल्ली में आके, दिल्ली की सड़कों पर आके देख सकता है, दिल्ली की गलियों में देख सकता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी वाले पोस्टर बैनर लगाए हैं बीजेपी के खिलाफ, और दूसरी तरफ बीजेपी वाले लगाए हैं आम आदमी के खिलाफ। तो ये झूठ और फ्रेप चल रहा है सिर्फ दिल्ली में आजकल। और इन्होंने किया गया, 2014 में बात हुई थी 2 करोड़ रोजगार देने की, तो दिल्ली वाले मतदाता नहीं पूछ रहे हैं कि भैया कुछ शेयर, कुछ परसेंटेज तो दिल्ली प्रदेश का भी बनता है, तो कितना मिला? और आम आदमी पार्टी का भी घोषणा पत्र था, उससे नहीं पूछ रहे कितना मिला। तो अब आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का कहना है, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स पिछले 4 सालों से इस मुद्दे को लेके दिल्ली की और देश की जनता को जागरूक कर रही है, कभी रथ यात्रा निकाल के, कभी जन जागरण अभियान चला के, कभी और भी कैंपेन चला के, कि आप इन चीज़ों को जानो देखो। और अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी वालों को धरना छोड़ के अब आप धरने पर बैठो, जहां भी आप, एमसीडी का ऑफिस है, राशन कार्ड का ऑफिस है, विधायक का ऑफिस है, सांसद का ऑफिस है, आप दिल्ली की जनता को, दिल्ली कोटर को बैठने की जरूरत है। भैया पैसा हमारा है और हक अधिकार हमारा है, हम तुम लोगों के लिए झुंझुना बनने के लिए दिए नहीं है कि तुम बारी बारी से झुंझुना बनाओ, कभी पकौड़ा तलना सिखाओ तो कभी गुलाबी टिकट बांटना सिखाओ। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स अब दिल्ली के मतदाताओं से, देश के मतदाताओं से आग्रह करती है कि अब नंबर आपका है धरना देने का, क्योंकि अब ये जो पार्टियां हैं ना, वे धरना दे के और क्या प्रचार किंग बन के, ये जो मीडिया किंग बन गए हैं, इनकी होर्डिंग बैनर लगा के बहुत हो गया। अब देश की जनता, दिल्ली की जनता धरने पे बैठे, सड़क पे बैठे और आए निकल के कि भैया शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हमने आपको वोट दिया था, हमने सरकार चुनी थी, और आपका घोषणा पत्र भी यही बोल के आया था कि हम रोजगार देंगे लोगों को, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, सब कुछ देंगे। तो वो चीज़ों को क्या हुआ? तो इसलिए अभी जो पार्टी वाले जो झुंझुना बना देते हैं, कभी ये बजाता कभी वो बजाता है, तो जब तक देश की जनता, दिल्ली की जनता नहीं धरने बैठेगी, नहीं मांगेगी, तब तक आप सिर्फ धरना आम आदमी पार्टी वालों का रहेगा, बीजेपी वालों का रहेगा, और आपका तो पता ही नहीं आपका क्या करेंगे। तो दिल्ली की जनता इस तरफ आए और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स दिल्ली की जनता के, दिल्ली के शिक्षित मतदाताओं से, जागरूक मतदाताओं से आग्रह करती है कि अब नंबर आपका है, अब बारी आपकी है इस चीज़ के लिए धरने पर बैठने की, कि भैया हमने आपको अच्छी सुविधा, शिक्षा सुविधा के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए, रोजगार के लिए आपको चुना है, आपको धरना देने, धरने पर बैठने के लिए नहीं चुना है, धांधलीबाजी और घोटालेबाजी करने के लिए नहीं चुना है। 13,000 करोड़ का बकाया बीजेपी आम आदमी पार्टी से मांगती है, आम आदमी पार्टी वाले 2500 करोड़ का घोटाला बीजेपी से मांगते हैं, तो बाकी पैसा किसका है? जिसका पैसा उसको पता ही नहीं। तो आप अपनी पार्टी पीपल्स दिल्ली के जागरूक, सजग, शिक्षित मतदाताओं से आग्रह करती है।